नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ IBS का मानसिक इलाज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मानसिक उपचार। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ऐसी बीमारी है कि जो बीमारी में सब अन्न पचन की जो संस्था है, पचन संस्था, उसके पूरे लक्षण दिखाई देते हैं। मुंह से लेके एनस तक, मतलब खट्टी ढकार आना, हिचकी लगना, सीने में जलन हो जाना, पेट फूलना, पेट में दर्द होना, पेट में गैसेस होना, पेट फूल जाना, बहुत डिस्टेंशन हो जाना, लेट्रिन साफ नहीं होना, अन्न पचन नहीं होना, लेट्रिन एक तो बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम हो जाना, बहुत हार्ड स्टूल्स होना, ऐसे काफ़ी सारे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। और डॉक्टर सब इन्वेस्टिगेशंस, जांच पड़ताल करते हैं और कुछ भी उसमें दिखाई जब उनको देता नहीं तो फिर वो बोलते कि नहीं, ज़्यादा टेंशन आप ले रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। तो एक्चुअली ये टेंशन की वजह से होता है। और जब कुछ मिलता ही नहीं है, एंडोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सब स्कोपीज होने के बाद में कुछ भी नहीं मिलता है, तब डेफिनेटली मानसिक ही कारण इसका होता है। जब ये पेशेंट हमारे पास में आते हैं तब उनको दो तरह का इलाज करते हैं। एक तो मेडिसिन का इलाज करते हैं, जो मेडिसिन मैं देता हूँ, और मेडिसिन के साथ साथ उनको हिप्नोथेरेपी भी देता हूँ, हिप्नोसिस यानी सबकॉन्शियस माइंड का इलाज। तो ये पेशेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेशेंट की जुबानी आपको सुनना है कि उसको कैसा फ़ायदा हुआ। तो ये देखिए पेशेंट। हाँ, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नितिन सुभाष बर्डे। क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को पेट की समस्या थी, खाना खाने के बाद उल्टी होना, दिन भर मलमल, उल्टी, पेट साफ नहीं होना, ऐसी समस्या थी। तो आपने इसके लिए कुछ इलाज किया था? इलाज किया था मैंने डॉक्टर नितिन जोशी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नांदेड़ के पास। 2-3 साल इलाज किया, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं हुआ उसका। फिर यहाँ का नाम किसने बताया आपको? मैंने यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे IBS के बारे में, और वहाँ से मैं आपसे संपर्क किया, और यहाँ आकर 1 महीने में मुझे लगभग 70-80% तक रिजल्ट है। आप आत्महत्या करने निकले थे? हाँ, करने निकले थे, क्योंकि त्रास इतना था कि बस बोलने का काम नहीं। खाना खाने के बाद कुछ भी खाओ उल्टी होती थी, मलमल दिन भर, खाली सोना बस यही रह गया था, बस बाकी पूरी जिंदगी खराब हो गई ऐसा लग रहा था। तो लोगों को अभी क्या मैसेज देना चाहोगे? लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपको ऐसी कुछ पेट के संबंधी विकार की तकलीफ है तो सर से आइए, मिलिए, और आपको यहाँ से 100% रिजल्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो इस तरह से पेशेंट हमारे पास में आते हैं और वो पेशेंट ठीक होकर चले जाते हैं। 4-6 महीने उनको दवाई लेनी पड़ती है और वो रेगुलरली हिप्नोथेरेपी करते हैं, सेल्फ सजेशन लेते हैं, तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा होता है। क्योंकि आपको अच्छा लगा तो सभी IBS के जो सिम्टम्स वाले लोग हैं वो आपके परिचित होंगे, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। 6-10% लोगों को ये बीमारी है, बहुत लोग परेशान हैं बीमारी से। थैंक यू वेरी मच।